उपमंडल सिलाई के पिलोरदास से उत्तराखंड देहरादून को जोड़ती सड़क बदहाली के कारण किसान आंसू बहा रहे हैं। लगभग एक दर्जन पंचायतों के लोगों को हर रोज जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। यही नहीं, हर रोज स्कूली बच्चे और बुजुर्ग इस रास्ते पर चलते हैं। उपमंडल शिलाई के तिलोरधार से उत्तराखंड देहरादून को जोड़ती सड़क बदहाली के आंसू रो रही है। लगभग एक दर्जन पंचायतों के लोगों को हर रोज जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। यही नहीं, हर रोज स्कूली बच्चे और बुजुर्ग इस रास्ते पर चलते हैं। यहाँ के किसान अपने खेतों में उगाई हुई टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक इत्यादि उत्तराखंड के विकास नगर पहुंचाते हैं। यदि विभाग समय रहते इस पर कार्रवाई करता तो पौंटा साहिब की दुर्लभ 8 पंचायतों व उपमंडल शिलाई की 4 पंचायतों के किसानों को राहत मिल सकती थी। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात से अभी तक विभाग की अनदेखी से सड़क पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर बात की जाए इस सड़क की तो तालाब की तरह बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। शिमा, छितली, बनोर, शिबा, पमता, गुइना, खतवार, शरीरी, दाबरा, सुनोग, रुदाना, भरली, नगेता, तारू भेला, राजपुर, अबोया डंडा आदि गांव के लोग ये समस्या झेल रहे हैं। परेशान ग्रामीणों का मानना है कि अधिकारी मात्र ऑफिस में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं। सड़क की अनदेखी की जा रही है। अगर गौर की जाए तो ये सड़क रोहड़ू पोंटा मार्ग से बिल्कुल शॉर्टकट विकास नगर व देहरादून निकलती है, जिसका सीधा फायदा शिलाई व आंज भोज की 8 पंचायतों के लोगों को सीधा फायदा होने वाला है, जिससे किसानों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। क्योंकि ये मार्ग रोहड़ू पोंटा मार्ग की तुलना में आधा सफर हो जाता है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलना तय है। क्षेत्र के दोनों दलों के नेता वोट मांगने की राजनीति करते हैं। मायाराम शर्मा का कहना है कि क्षेत्र के दोनों दलों के नेता वोट मांगने की राजनीति करते हैं। प्रदेश सरकार इलेक्शन के दौरान कहा था कि क्षेत्र की सड़कें व किसानों की समस्याएं दूर की जाएंगी, पर जैसे ही प्रदेश में नई सरकार बनी क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। गरीब किसानों का सड़क का कार्य नहीं किया गया। लोगों ने अब केंद्र सरकार से जोरदार आग्रह किया है कि यहाँ के विभाग के कर्मचारी जो सोए हुए नजर आ रहे हैं उन्हें नींद से जगाकर इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए जाएं, ताकि यहाँ पर लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात मिल सके। कंडो से छितली का रोड बना होते हुए इस रोड पे बड़ी दिक्कतें हो रही जनाब। इस पे स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, चलने में बड़ी कठिनाइयां हो रही। इस बेल्ट में काफ़ी लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो गाड़ियाँ लाने ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती है। कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं खड्डे बने हुए हैं, जगह जगह पानी इकट्ठा है, सोर्स का पानी इकट्ठा है। इतने पता ये नहीं चलता कि गड्ढा है या कोई तालाब है। कई जगह लोग बाइक लेके फिसल चुके हैं और आगे भी बड़ा उस रोड पे खतरा है लोगों को। ये रोड हमारा आंध भोज होते हुए उत्तरांचल विकास नगर पे ज्वाइंट है, तो अगर इसकी सुध लें सरकार तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। कमरों मिल चुके हैं जनाब, उनसे रिक्वेस्ट की थी लेकिन अनसुने की। उन्होंने भी कोई रिजर्वमेंट नहीं की, उन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की इस पे। अगर सरकार ने इस पर संज्ञान लिया तो आप क्या करेंगे? सर हमें लास्ट में कोई आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे शावका पंचायत के अलावा हमारे आंध भोज की भी काफ़ी सारी पंचायतों को इस सड़क लाभ होता है अगर ये सुचारू रूप से। कांडो शमा पम तछितली रोड है, इसकी दुर्दशा बहुत ही दयनीय है। बरसात के बाद आज भी जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है, अभी तक वो मलबा साफ नहीं हुआ है। रोड कई जगह से बहुत तंग है और जगह जगह पे पानी खड़ा है सड़कों पे, जिससे कि आम लोगों को, बाइक वालों को, स्कूटी वालों को, छोटे वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतें आ रही है इस रास्ते से चलने के लिए। और ये रास्ता जो ये सड़क है शमा पम तछितली होते हुए आगे बनोर निकलती है, लेकिन जहाँ तक PWD विभाग के अंदर ये तिलोरधार से 7.5 किलोमीटर तक PWD के तहत बनी है, PWD सुध नहीं ले रही इस सड़क की। ग्रामीणों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हम आग्रह करना चाहेंगे वर्तमान सरकार से भी और PWD विभाग से भी कि इस रोड की जो दयनीय स्थिति है इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए।